हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आज फिर से एक साल की शुरुआत हो रही है और एक साल का अलविदा हो चुका है 2024 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप लोग जो है वो इस साल में अपने कुछ नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और इस संकल्प में आपकी मदद करने के लिए हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर की गुड मॉर्निंग तो आई होप जो इसी तरीके से ये जो साल हमारा जो 2024 है जिस तरीके से आप एक नई एनर्जी के साथ आज जुड़े हैं इसी तरीके से पूरे साल में एनर्जी बनी रहे क्योंकि आने वाले जो हमारे जितने भी लक्ष्य हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस से भरे हुए हैं तो उन सभी चैलेंजेस को पार करने के लिए हमको पूरी जोश और जुनून के साथ लगा रहना पड़ेगा है ना तो जितने भी लोग यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का अभिषेक कुना और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से उन सबों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि तैयारी करने के लिए एक सही गाइडेंस एक सही इन्वायरमेंट की जरूरत होती है इस 2024 में आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए स्टडी आईक्यू अपने सभी कोर्सेज पे आज और कल दो दिन हमारे यूपी बिहार उड़ीसा पंजाब असम मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर और हरियाणा इन सभी कोर्सेज पर दे रहा है डिस्काउंट यहां पर आपको सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेंगी मॉक टेस्ट मिलेगा बेंटोर्स मिलेंगे नोट्स मिलेंगे और आपकी जो मेंस की तैयारी उसके लिए भी आपको प्रेरित किया जाएगा मतलब तैयार किया जाएगा तो आप अभी उड़ीसा का तैयारी कर रहे हैं या यूपी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो इन पीसीएस एग्जाम्स के लिए आप जुड़ सकते स्टडी आई के इन पीसीएस फाउंडेशन बैचेस में दोस्तों मेरा कूपन कोड है पीसी लाइव आप जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे क्लास के अंत में भी मैं आपको बताऊंगा आपको हमारे ऐप और वेब पोर्टल पर डिस्काउंट मिलेगा और सारे कोर्सेज पर यह डिस्काउंट आपका अप्लीकेबल है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार हमारे इस करंट अफेयर्स में आज क्या क्या होने वाला है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उज्ज्वला योजना के किस तरीके से मोदी जी का जो अयोध्या दौरा था वहां पे क्या क्या हुआ फाइनली सिक्सटीन फाइनेंस कमिश्नर जो है वो बन चुके हैं हमारा जो सोलह वित्त आयोग है उसका गठन हो चुका है अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट मेले ने ब्रिक्स को ना ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज चर्चा में है दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना में पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया गया है नंदन कर्णन जो जूलॉजिकल पार्क है वो भी उड़ीसा का चर्चा में है उसके बाद से मैंगजियांग ड्राइव ड्रिलिंग वेसल्स की भी हम लोग बात करेंगे और आज फिर से चर्चा में है हमारा यूएपीए तो ये हमारे करंट अफेयर्स की हेडलाइंस जो आज हम एक एक करके इनको बढ़िया तरीके से करने वाले और यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम एमसीक्यूज के जरिए डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे पीएम की जो अभी अयोध्या में विजिट हुई वो हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो प्रधानमंत्री की हमारे द हिंदू का आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री की जो विजिट थी यहां पे दस करोड़ बेनिफिशरीज जो, जो स्कीम से हमारे लाभान्वित हुई उनके घर का अचानक दौरा किया तो 10 करोड़ भी जो हमारे बेनिफिशरी थी उनके घर में ये अचानक से दौरा हुआ और खुद ये जो बेनिफिशरी है है ना महिला ये भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई तो हम लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की तो बात करेंगे लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपने अयोध्या दौरे के दौरान लता मंगेशकर चौक के करीब एक मोहल्ले में उज्ज्वला योजना की जो दसवीं करोड़ लाभार्थी थी नाम था मीरा मांझी तो मीरा मांझी के घर अचानक से पहुंच गए तीस मिनट पहले केवल इनको बताया गया था कि इनके घर में एक वीआईपी आ रहे हैं और वो खुद नरेंद्र मोदी पहुंच गए तो ये एक बहुत था इस पूरे परिवार के लिए, लिए, लिए अयोध्या में, में अब उसके बाद से अगर हम बात करते हैं, ये हमारे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये है क्या तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये मई 2016 में शुरू की गई थी ये हमारे पेट्रोलियम और जो हमारे नेचुरल गैस मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी मुख्य उद्देश्य था कि हमें स्मोक फ्री मतलब जो चूल्हे पे खाना बना रहे हैं उससे कई सारी बीमारियां हो रही हैं तो स्मोक फ्री जो इन्वायरमेंट है वो महिलाओं को देना और इसके लिए बिना डिपॉजिट के पहले आप अगर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है तो बिना डिपॉजिट के उनको कनेक्शन दिया जाएगा साथ ही साथ प्रति कनेक्शन में सोलह रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी मतलब कनेक्शन लेने के लिए सोलह सौ रुपए दिए जाएंगे बिना डिपॉजिट के सिलेंडर मिलेगा और इसमें लाभान्वित जितने भी हमारे जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उन सभी को हर हर साल बारह सिलेंडर में दो सौ रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी मतलब दो सौ रुपए यहाँ पे कम उनको लिए जाएंगे जो भी है जो भी हमारे इसके लाभार्थी है तो दस करोड़ कनेक्शन बांट दिए दसवें करोड़ पे मीरा मांझी है जिनके घर पे अभी पीएम का दौरा हुआ अब आप यहां पर देखिए कि कितना पैसा खर्च किया गया तो दो हजार में जो छह करोड़ रुपए खर्च हुआ ये हमारे 23-24 में मतलब जो चल रहा वित्तीय वर्ष है ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये अप्रैल में खत्म होगा लगभग सात करोड़ रुपए यहां पे खर्च किए जा रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है हमने भी देखा था कि ये 22 तेईस दिसंबर 23 में खत्म हो रही थी लेकिन इसको हमने पच्चीस छब्बीस तक बढ़ा दिया गया है तो ये पच्चीस छब्बीस तक पीएम उज्ज्वला योजना को बढ़ा दिया गया है मतलब वापस से ये हमारे तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो ये भी आपको याद रखना है ये तीन साल के लिए वापस बढ़ा दिया गया है और हमारे इस बार का जो वित्तीय बजट है उसमें सात हजार छह सौ अस्सी करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे याद रखिएगा हमारे चौबीस मार्च को यह डिसीजन लिया गया था कि उज्ज्वला योजना में जितनी भी लाभार्थी हैं उनको सिर्फ हम सिलेंडर ही नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर जितने रिफिलिंग है उनमें दो सौ रुपए की छूट देंगे एक साल में बारह सिलेंडर तो काफी महत्वपूर्ण थी ये पीएम हमारे बोल सकते हैं उज्ज्वला योजना अब ये कनेक्शन की संख्या यहाँ पर देखिए अक अक्टूबर तक जो लगभग नौ करोड़ से ज्यादा थी वो अब दस करोड़ हो चुकी है और दसवीं करोड़ के यहाँ पे यहां पे गए हुए ठीक है ना तो काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा था अयोध्या का वो बहुत ज्यादा चर्चा में था हर एक न्यूज पेपर में बना तो यहां पे हुआ क्या क्या है तो नरेंद्र मोदी जी के इस अयोध्या दौरे में सात सौ करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिसमें आप क्या क्या चीज देखेंगे तो यहां पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तो रेलवे स्टेशन का नाम है अयोध्या धाम इसको रीडेवलप किया है पहले जो दस हजार बीस हजार की कैपेसिटी थी वो बढ़ा करके साठ साठ हजार प्रतिदिन की कैपेसिटी कर दी गई है क्योंकि काफी लोग यहाँ पे आने वाले हैं साथ ही साथ यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसको भी यहाँ पर एनोग्रेट किया गया है और इसका नाम रखा गया है महर्षि बाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो महर्षि बाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है याद रखिएगा साथ ही साथ एक नई कैटेगरी की सुपरफास्ट ट्रेन भी यहां से हमारे शुरू की गई जिनका नाम है अमृत भारत ट्रेन तो ये अमृत भारत ट्रेन जो है वो भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिसकी शुरुआत की गई है नई कैटेगरी की ट्रेन है ये कहां कहां से चल रही है तो दरभंगा से आपको आनंद आनंद बिहार दिल्ली तक चलती हुई दिखाई देंगी है ना तो पहली ट्रेन दरभंगा से आनंद बिहार जो दिल्ली का है वहां तक फिर दूसरी ट्रेन आपकी मालदा से बेंगलुरु के एम विश्वसरैया जो रेलवे स्टेशन है वहां तक चलेगी तो ये काफी इंपॉर्टेंट जाती है अमृत भारत सुपरफास्ट ट्रेन है है ना जैसे हमारी इसमें स्लीपर और बोगी के साथ साथ सेकंड सीटिंग सारी चीजें बढ़िया तरीके से बनाई गई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये सुपर फास्ट ट्रेन है अब उसके बाद से यहां पर देखेंगे तो अयोध्या में कई सारे और प्रोजेक्ट जो थे वो हमारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप <coughs> कहा गया भाई रुक जाओ जिसमें आप देखेंगे अयोध्या में हमारे उसके आस के एरिया में कई सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जो हमारे उसके अयोध्या के टूरिज्म को लेकर के हैं जिसमें ग्यारह हजार एक सौ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे अदर जो रिलीजियन प्लेसेस हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वहां पर भी चार हजार छह सौ करोड़ रुपए टूरिज्म पर्पज पर से खर्च किए जा रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है साफ तौर से आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा ये एजेंडा रहा है और इसको भुनाना चाहती है गवर्नमेंट जिसके लिए आप यहाँ पर ये यह देख पा रहे होंगे याद रखिए क्या क्या आपको याद रखना है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की जो कैपेसिटी है वो लगभग बढ़ करके कितनी हो गई है साठ हजार हो चुकी है अमृत भारत सुपरफास्ट ट्रेनें चली हुई हैं दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल दूसरी चलिए मालदा से बेंगलुरु देन उसके बाद से छह हमारे वंदे भारत ट्रेनों को भी अयोध्या से कनेक्ट किया जा रहा है तो काफी महत्वपूर्ण यह पूरा का पूरा दौरा था और अब देखते हैं बाईस जनवरी को भी हमारे एक बड़ा सा इवेंट है जिसमें मंदिर की शुरुआत की जा रही है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में फाइनेंस कमिश्नर बहुत दिन से जो पेंडिंग था वो अपॉइंट कर दिए गए हैं तो गवर्नमेंट ने हमारे सोलवे नंबर के फाइनेंस कमीशन ये देखिए द हिंदू की न्यूज है और सोलवे नंबर के जो फाइनेंस कमीशन है उनको अपॉइंट किया है इनका नाम है अरविंद पनागरिया अरविंद पनागरिया ये हमारे सोलवे नंबर के फाइनेंस कमीशन के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पूर्व नीति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व मतलब उपाध्यक्ष अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री रहते हैं तो ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के और ये सोलवे वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पे अब काम करेंगे याद रखिएगा इनके साथ जो हमारे सेक्रेटरी रहेंगे फाइनेंस कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो ऋत्विक रंजन को बनाया गया तो ऋत्विक रंजन यहां पे हमारे आयोग के सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे और इसके जो चेयरमैन रहेंगे वो अरविंद पनागड़िया रहेंगे ठीक है अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो आयोग है जो 2026 और 31 के बीच के पांच वर्षों की अवधि को कवर करेगा और अपनी रिपोर्ट दो हजार तक उपलब्ध कराएगा ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है दो से ये काम करना मतलब अब ये अपने जो पुराना कमीशन था पंद्रवा उसकी खत्म होने के बाद अब ये काम करने वाला है भारत सरकार ने राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद 200 आर्टिकल नंबर 280 के जो हमारे

यहां पे अगर आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर इस होता है उसमें एक चेयरमैन के साथ चार और अदर मेंबर होते हैं और सबका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है काम काम क्या करता है? बहुत है, ये हमारे काम क्या करता करता है 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 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हमारे जो भी फंडिंग आती है जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेंटर और अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट होती है सेंटर और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ये फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है फाइनेंस कमीशन अब बात आती है

छह साल तक की अवधि तक इसने अपने बोल सकते रिपोर्ट को सबमिट किया दो से इसने काम करना शुरू किया गया छह साल तक अपनी रिपोर्ट बनाएगा है ना और काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे एनके सिंह एनके सिंह जो इसके चेयरमैन थे और अरविंद मेहता इसके सेक्रेटरी थे अब हम यहां पे बात करते हैं सोलवे के तो सोलवे के हमारे कौन बने तो याद रखिएगा अरविंद पनागढ़िया और ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये भी आपको याद रखना है और ऋत्विक रंजन इसके सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं ठीक है तो काफी महत्वपूर्ण है एक एक पॉइंट आपको इसका याद रखना है खास तौर पे ये वाला जो मैंने आपको बताया ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में बन सकते हैं है ना पांच साल के टेन्योर में हमारे चेयरमैन काम करते हैं याद रखिए पहला कब आया था कौन से आर्टिकल में कौन से पार्ट में कितने इसमें मेंबर होते हैं कौन अपॉइंटमेंट करता है पहले कौन थे क्या काम होता है समझ में आ रहा है कि नहीं ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे सामने आता है ब्रिक्स कंट्रीज में हमने देखा कि अर्जेंटीना की जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि हमें ब्रिक्स में सम्मिलित होना है लेकिन सरकार गई सरकार के साथ जो ब्रिक्स में सम्मिलित होने का उनका हमारा जो विजन था वो भी रिजेक्ट कर दिया अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट ने ठीक है ना तो अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोवियर माइली इन्होंने ब्रिक्स में सम्मिलित होने के अपने डिसीजन को पूर्व गवर्नमेंट के वापस ले लिया है इसके पहले इन्होंने ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका के जो हमारे लीडर्स हैं उनको लेटर लिख करके प्रीवियस गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो वापस ले लिया अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करते तो ये है कहां पे तो अर्जेंटीना आपको यहां पे दिखाई देगा ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, है ना जो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसकी कैपिटल ब्यूनर्स आयर्स है ब्यूनर्स आयर्स जो है इसकी कैपिटल है काफी महत्वपूर्ण है और अभी जेवियर मॉयली जो है इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने अभी हाल में चुनाव जीता और यहां पे बहुत सारे जो डिसीजन है वो परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं जिनमें से ब्रिक्स में अर्जेंटीना का शामिल होना भी था अर्जेंटीना हमारे अभी काफी जो चर्चा में रहता है वो अपने मेसी की वजह से रहता है जो हम लोग जानते हैं यहाँ के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मेसी जो इस बार हमारे टाइम्स के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर भी बने मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी बने ये भी अर्जेंटीना के हैं याद रखिएगा अर्जेंटीना ने इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है तो अर्जेंटीना ने दो में हमारा जो 22 में लास्ट में हुआ था 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ कतर में उसको भी अपने नाम किया था ये काफी महत्वपूर्ण कंट्री है और ये हमारे साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा ब्यूनर आयर्स इसकी यहाँ पे कैपिटल है अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका है और हमेशा हम लोग बात करते हैं इथमस और वाटर स्टेट की तो ये है हमारा ये जो देश है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में या जो हमारे प्रशांत महासागर और हमारे यहाँ पे अटलांटिक महासागर के बीच में इसका नाम है पनामा इसका नाम है पनामा कंट्री और ये हमारे कनेक्ट करता है प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को या नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो खाड़ी है जो सबसे बड़ी गल्फ है वो है मैक्सिको की गल्फ जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है मेक्सिको <coughs> की गल्फ हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी गल्फ है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है है ना याद रखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आप ये एग्जाम से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं है ना खास तौर पे इथमस से वाटर स्टेट से अब हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा सबसे लंबे की बात कर रहे हैं सबसे ऊंचे की नहीं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि आपको इस तरीके से साउथ अमेरिका में दिखाई देगी जो हमारे ग्यारह अलग अलग कंट्रीज से होकर गुजरती है ग्यारह अलग अलग देशों से होकर गुजरती है पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है अकांका गुआ अकांका गुआ जो है ये इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है इसका नाम है एंडीज पर्वत एंडीज पर्वत भी आपको साउथ अमेरिका में दिखाई देगा और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है अकांका गुआ सारी चीजें क्लियर रखना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे सामने ब्रिक्स की हम लोग बात करें तो ब्रिक्स जो है ये हमारे जो कंट्रीज का ग्रुप था ब्रिक्स की अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते थे तो पहले हमने देखा कि ब्राजील रसिया इंडिया और चाइना ने मिलकर के इसको दो में बनाया 2009 में हमारे इन चार देशों ने मिलकर के जो सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी उन्होंने इसके मिलकर बनाया फिर 2010 में क्या होता है हमारे ब्रिक्स में बी आर आई सी और इसमें जुड़ जाता है एस मतलब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ जाता है और ये अपने बारी बारी से क्या करते अपने मीटिंग्स करते मतलब अगर स्टार्टिंग ब्राजील से होती तो फिर रसिया फिर इंडिया फिर चाइना देन साउथ अफ्रीका इस तरीके से मीटिंग होती है फिर ब्रिक्स कंट्रीज के बढ़ते हुए अपने आधिपत्य को देखते हुए 2014 में एक बैंक खोलते हैं जिसका नाम रखा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला गया बैंक था जिसके हमारा जो पहले चेयरमैन थे वो केवी कामत थे जो कि भारत के ही थे और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा संघाई में संघाई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा अब उसके बाद से हमारे 2023 में जो मीटिंग होनी थी ये होनी थी कहां पर ये होनी थी हमारे साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में हमारे जोहरान्स वर्ग में इसकी मीटिंग होनी थी 22 से 23 अगस्त के बीच में जिसका थीम रखा गया था ब्रिक्स एंड अफ्रीका ब्रिक्स एंड अफ्रीका थीम के साथ जिसमें हमने पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सबसे सब, सब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड

है ना ये हमारे नए कंट्रीज थे जो इसमें अपना रिक, रिक्वेस्ट दिए थे और साथ ही साथ यहाँ पे अर्जेंटीना जो ब्लू है ना एक दो तीन चार पांच ये हमारे कंट्रीज ने रिक्वेस्ट दिया था कि हम भी जुड़ना चाहते हैं लेकिन फाइनली अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया कहा कि भैया हमको इसमें नहीं जुड़ना है हमारा जो है वो रुझान खत्म हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं आए और उन्होंने अपने पॉलिसीज को चेंज किया तो एक जनवरी मतलब आज से ब्रिक्स में परिवर्तन होने वाला और जो भी परिवर्तन होगा हम लोग बात करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में ठीक है तो कौन कौन से कंट्रीज जुड़ने वाले थे इजिप्ट ईरान इथोपिया सऊदी अरब यूएई इसमें जुड़ने वाले थे ये पांच कंट्रीज जो आप यहां पर देख पाएंगे ठीक है तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण जाती है एग्जाम में पूछे जाने काबिल तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हाल में ही हमारे कई सारी बैठकें हुई वो यहां पे हम पूछना चाहते थे जरा सब लोग यहां पे एक एक करके जवाब देंगे ताकि एक रिवीजन भी अच्छा हो जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे G7 कंट्रीज G7 की जो कंट्रीज की बैठक है ये कहां पर हुई थी उसके बाद से आप सभी को बताना है हमारे यहाँ पे जो नाटो कंट्रीज है ना नाटो कंट्रीज की जो बैठक है ये आप कहां पर देख पाएंगे साथ ही साथ आपको यहां पे बताना है हमारे इस बार कंट्रीज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इनकी बैठकें कहां पर हुई है चौथे नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास आता है हाँ बिल्कुल हमारे पास आता है कौन सा एस मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी सबमिट कहां पर हुई उसके बाद आता है हमारा बिम्स्टेक सब्मिट बिमस्टेक जो हमारे देश है बे ऑफ बंगाल मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन इसकी बैठक कहां पर हुई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अब यहाँ पे अगर हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले और एक और देख लेते भाई कॉप ट्वेंटी एट है ना जो कॉप ट्वेंटी एट है ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, है ना इन्वायरमेंट को लेकर के जो हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है पेरिस डिक्लेरेशन से वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जी सेवन कंट्रीज की जो बैठक है ये हमारे कहां पर हुई जापान के जापान के हिरोसीमा नामक शहर में दिखना चाहिए भाई जापान के हिरोसीमा नामक शहर में इसकी बैठक हुई थी हिरोसीमा वही जगह है जहां पर हमने परमाणु बम को फटते हुए देखा था बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में, में दिखाई देगा ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है याद रखिएगा इसका जो सबसे लेटेस्ट जो मेंबर है वो फिनलैंड है और आपको याद रखना है इसकी जो बैठक है ये आपको लिथुानिया में दिखाई देगी लिथानिया की कैपिटल बेलूनियस है जहां पर इसकी बैठक हुई थी नाटो कंट्रीज की एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है 1967 में इसकी स्थापना हुई थी इसका जो हेडक्वार्टर है यह आपको देखने को मिलेगा कहां पर बिल्कुल जाकर में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बार की बैठक भी आपको जाकर में ही देखने को मिलेगी तो जाकर में इस बार बैठक हुई और हेडक्वार्टर भी वहीं पे एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये भी काफी महत्वपूर्ण है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बीजिंग में और इस बार की बैठक जो है वो हुई थी इंडिया में बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया में दिल्ली में वर्चुअली इसकी बैठक की गई थी वर्चुअली कोई नेता नहीं आया था बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान का जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे साथ ही साथ चाइना ने भी यहां पर विरोध किया इसमें नौ अलग अलग देश जो है वो सम्मिलित है और सबसे जो लेटेस्ट मेंबर है वो है ईरान ईरान जो है वो सबसे लेटेस्ट मेंबर है इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी और भारत इसका मेंबर बना था सन 2017 में अब से बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है ये ढाका में है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है और साथ ही साथ अगर हम यहां पे बात करेंगे इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसमें जो कंट्रीज की संख्या है सेवन है सेवन इसमें भारत को लेकर के सात कंट्रीज है तो बिम्स्टेक जो है ये आप देख पाएंगे इस तरीके से हमारे बनाया गया था उन्नीस तो बने थे अगर आपने गलत नोट किया तो उसको सही कर लेंगे और बिम्स्टेक का इस बार का जो हमारा बैठक है ये बैंकॉक में हुआ बैंकॉक में इस बैठक को आप देख पाएंगे अब आता है कॉप ट्वेंटी हमारे इनवायरमेंट और ग्रीन ग्रीन हाउस गैसेस गैसेसमर्सन को रोकने के लिए पेरिस डिक्लेरेशन आया और इस पेरिस डिक्लेरेशन के तहत हमारे हर साल 2016 से ये कॉप समिट का आयोजन होना शुरू हुआ और ये जो समिट है इस बार हुई हमारे यूएई में यूएई दुबई में आप इस समिट को देख पाएंगे नरेंद्र मोदी भी इसमें अटेंड किए थे सारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे हमारे संगठन इनके डिटेल में भी जब भी हमारे जैसे आज ब्रिक्स का चर्चा हो रही थी और जीडीपी तो कितनी पॉपुलेशन है कितनी हमारे ट्रेड करते ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे मीटिंग्स होती रहेंगी चलिए आगे चलते हमने यहां पे काफी कुछ बात कर लिया है <coughs> तो काफी चीज हम लोग ब्रिक्स के ऊपर बात करेंगे और भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहां पर एक रेजोल्यूशन संकल्प जैसे आज बहुत सारे लोगों ने संकल्प लिया है हम लोग बात करेंगे उस संकल्प की भी भी आप लोगों से भी, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहां पर अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको लेकर के अपने एक रेजोल्यूशन को पास किया जिसमें हम उनकी स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप सभी को पता है चाहे वो हमारे वुमेन्स सिक्योरिटी हो या हमारा टेररिज्म हो है ना सिक्योरिटी हो हो टेररिज्म मोस्ट अनसेफ अफगानिस्तान आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो मानवीय स्थिति है वो काफी ज्यादा बुरी है ये सारी रिपोर्ट हमको बता रही है हालांकि इंडिया की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अफगानिस्तान हर एक लिस्ट में लास्ट पे है और इसको देखते हुए यहां पर जापान और यूएई के द्वारा इस रेजोल्यूशन को लाया गया कि भाई अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खराब है हमको उस सिचुएशन पर काम करना चाहिए और उसमें यूएन में ये रेजोल्यूशन को लेकर क्या है दो देश जापान और यूएई और उन्होंने यहां पर इस प्रस्ताव में महिला का सबसे बड़ा महिला जो सिक्योरिटी है उसको सबसे बड़ा यहां पर थ्रेड बताया फिर सुरक्षा आतंकवाद और नशीले पदार्थ भी हमारे अफगानिस्तान को नीचे की तरफ लेकर के जा रहे हैं इसको लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रेजुलेशन पास किया जिसके बाद से अब इस अफगानिस्तान के मुद्दे के ऊपर काफी तेजी से काम किया जाएगा अब हम यूएनएससी की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड पुलिस मतलब ये एक सिक्योरिटी है पूरे वर्ल्ड की सिक्योर करने का काम करती है ये हमारे जो यूएन के छह मुख्य बॉडीज हैं उनमें से एक है इसकी स्थापना 1945 से यूएन चार्टर्ड से हुई थी है ना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है पहली इसका जो सेशन है वो 17 जनवरी 1946 को हुआ था याद रखना ये हमारे लंदन में हुआ था लंदन के जो चर्च हाउस है वहां पर आप देख पाएंगे इसका पहला सेशन इसमें हमारे पंद्रह मेंबर होते हैं जिसमें से पांच परमानेंट होते हैं है ना पी फाइव जिसको बोलते हैं और दस जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं जो हमारे दो साल के लिए चुने जाते हैं हर दो साल में नए मेंबर्स को आप चुनाव होते हुए देखेंगे अगर अभी देखेंगे तो यूएस यूके रसिया फ्रांस और चाइना ये हमारे ये वीटो पावर या परमानेंट मेंबर हैं आप यहां पर देख पा रहे होंगे याद रखिए जो प्रे, प्रेसिडेंसी है वो पंद्रह मेंबर्स में हमारे रोटेट होती रहती जो है जो पंद्रह मेंबर्स हैं उनमें हर एक बार किसी ना किसी को प्रेसिडेंसी दी जाती है जैसे इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है ये 2022 में उनको दी गई थी ठीक है काफी महत्वपूर्ण है जो हमारे कुछ अस्थायी सदस्य है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे चलिए आगे चलते हैं यूएनएससी में सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने तो यहां पर आप देखिए जापान 11 बार ब्राजील 10 बार अर्जेंटीना 9 बार कनाडा 6 बार कोलंबिया 7 बार भारत 8 बार पाकिस्तान भी 7 बार बना है तो यहां पर यूएन की कृपा पाकिस्तान पर रहती है वो हमेशा देखने को मिला है और सात बार पाकिस्तान भी इसका सदस्य बन चुका है चलिए आगे चलते हैं हुंडई मोटर्स ने यहां पर अपना नया एम्बेसडर बनाया हुआ है दोस्तों नया एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है नीरज इसको वो बनाया गया है दीपिका पादुकोण को तो दीपिका पादुकोण न्यू एम्बेसडर बनी है किसकी हुंडई की इसके पहले हुडई क्या एक कार बनाने वाली कंपनी है साउथ कोरिया की है इसके पहले शाहरुख खान और हार्दिक पांड्या ऑलरेडी इसके हमारे अम्बेसडर आइकन थे और अब दीपिका पादुकोण भी इसको ज्वाइन कर रही है तो काफी महत्वपूर्ण आता है हुंडई जो कंपनी है ये हमारे 25 साल से भी ज्यादा साउथ कोरिया की कंपनी शाहरुख खान को अपना अम्बेसिडर रखी है पच्चीस साल से भी साउथ साउथ कोरिया की कंपनी के अम्बेसिडर है शाहरुख खान ठीक है भारत में जो ये हुंडई है तीसरा सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट है यहां पर हमारे अमेरिका और यूरोपियन नेशन ही सिर्फ इंडिया से पीछे है।, है ना इंडिया से आगे है मतलब तो इंडिया इनके लिए तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है मतलब अमेरिका में सबसे ज्यादा कारें बिकती हैं फिर यू, 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 हमारे यूरोपियन यूनियन में बिकती है फिर तीसरे नंबर पर इंडिया आ जाता है अगर आप देखेंगे 2023 में भारत ने हुंडई की जो पूरे ग्लोबल में उसने बिजनेस किया था उसका 18.6 परसेंट इंडिया में बिजनेस किया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे समृद्धि सुकन्या योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पे बढ़ाया गया है और हम यहां इस योजना की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमने लोकसभा में देखा कि समृद्धि सुकन्या योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉइंट टू जीरो परसेंट को बढ़ा दिया गया और तीन साल के लिए जो हमारे टाइम डिपॉजिट होता है टाइम डिपॉजिट एफडी और आरडी है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है पॉइंट इंटरेस्ट रेट में 0.10% का इंक्रीमेंट है अब हम बात करते हैं समृद्धि सुकन्या योजना की तो समृद्धि सुकन्या योजना को 22 जनवरी सन 2015 में मोदी गवर्नमेंट जब आई थी 14 में तो उसके बाद 15 में 22 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी बेटी, पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान से तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसकी हमारे क्या हुई थी शुरुआत की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि शादी और शिक्षा ये दोनों बेटियों का एक बहुत बड़ा हेडक होता है अगर जो माँ बाप होते हमेशा पढ़ाई कैसे होगी शादी कैसे होगी चिंता में रहते हैं तो इसको पूरा करने के लिए ये हमारे अकाउंट की शुरुआत की गई थी जिसमें जीरो से लेकर के दस साल तक की बच्चों के अकाउंट खोले जाते हैं जिनका पैसा उनके शादी के समय या उनकी पढ़ाई के समय जब उनकी उम्र होती है अट्ठारह साल और इक्कीस साल उस समय यह पैसा निकाला जा सकता है इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है लेकिन यह फ्लोटर होता है मतलब ये चेंज होता रहता है जैसे कि अभी आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पॉइंट टू जीरो परसेंट बढ़ गया है इसको ओपन करने के लिए मिनिमम ढाई सौ रुपए आप ढाई सौ रुपए के साथ इसको ओपन कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम लिमिट भी यहां पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी है हमारे डेढ़ लाख डेढ़ लाख से ज्यादा आप इसमें पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं रख सकते मतलब डेढ़ लाख से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये निकलेगा तो वही नहीं तो निकलेगा जब बच्चे अठारह साल की हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई के लिए और इक्कीस निकाल सकते हैं उसकी शादी के लिए तो डेढ़ लाख से ज्यादा पैसा इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते अब बात आती है सर कितने अकाउंट खोल सकते तो एक अभिभावक जो है गार्जियन है या तो उसका पेरेंट हो या कानूनी अभिभावक हो ये दो बालिकाओं के लिए मतलब दो गर्ल्स के लिए दिया गया लेकिन ट्विंस के केस मान लो कि दो लड़कियां एक साथ हो गई और एक पहले से थी तो ट्विंस के केस में ये तीन के लिए सुविधा दी जाएगी तो ये कब शुरू हुई थी 2015 में हमारे 22 जनवरी को याद रखिएगा जीरो से दस साल तक के बच्चियों के लिए योजना के की शुरुआत की गई है इसी तरीके से हमारे कई सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए चल रही है अलग अलग जगहों पे आप सभी को उनके बारे में पता भी होना चाहिए तो जल्दी से मुझे बताइए मध्य प्रदेश की वो योजना जो महिलाओं के लिए चल रही है उसका नाम क्या है उत्तर प्रदेश की उस योजना का नाम बताइए जो यहाँ पर हमारे चलाई जा रही है इसी तरीके से हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र ने भी एक योजना चलाई है उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए जो लड़कियों के लिए रिसेंट में चलाई गई है तो मध्य प्रदेश का तो शायद चुनाव जब हुआ तो कई बार हमने, सुन, हमने सुना था लाडली बहना योजना आप सभी ने सुना होगा लाडली बहना योजना जिसमें बारह रुपए महीना दिया जा रहा था लाडली बहना योजना है <coughs> ना लाडली बहना योजना बारह रुपए पर महीने आप साढ़े बारह रुपए आपको पर मंथ दिया जा रहा है जो यहाँ पर हमारे बीपीएल कार्ड धारक है इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की योजना का नाम है सुमंगला योजना है ना सुमंगला योजना ये यूपी गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है जिसमें हम हमारे यहां पर भी अलग अलग फेजेस में पैसा दिया जाएगा इसको धीरे से पच्चीस हजार तक बढ़ाने की उम्मीद है अभी पंद्रह हजार रुपए ये अलग अलग फेजेज में मिल रहा है ठीक है इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी शुरू किया जो सबसे बड़ी परियोजना है ये है लेक लड़की योजना लेक लड़की मराठी वर्ड है लेक लड़की योजना और ये लेख मतलब हो गया इसमें एक लाख रुपए तक का ये हमारे देंगे छह अलग अलग चरणों में मतलब फर्स्ट में फिफ्थ में है ना इसी तरीके से उनकी शादी तक ये एक लाख रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तहत के द्वारा दिया जा रहा है लेख लड़की योजना में तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहना यूपी के द्वारा सुमंगला योजना महाराष्ट्र का द्वारा लेख लड़की योजना अब आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट जाता है मेंस में में लिख लेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया पूछा ही जा रहा है और आप इन योजनाओं के बारे में अगर जानते हैं और आपने इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया तो ऑलरेडी आप दूसरों से दस कदम आगे चले गए चले खैर डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे आगे चलते नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ये है हमारा कौन सा तो ये हमारा नंदन नंदन कारण करंजू ने यहाँ पर अपने यहां पे चीता सफारी टाइगर सफारी बनाने का जो एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया है दुबई सफारी के साथ तो नंदन कानन जो है ये कहां पर है तो नंदन कानन ये हमारे एक चिड़िया घर है और एक वाइल्ड लाइफ सफारी है जो आपको कहां पर उड़ीसा में देखने को मिलेगा और यहां पे अब हमारे चीता सफारी अफ्रीकी शेर और चिंपेंजीज को ट्रांसफर किया जा रहा है कहां से दुबई सफारी पार्क से दुबई हमारे सफारी पार्क से नंदन कारण जो ज्यूलॉजिकल पार्क है ये भुवनेश्वर में है जहां पर आप ये देख पाएंगे याद रखिएगा हमारा जो दुबई सफारी है ये हमारे कई सारे जो अलग अलग जीव जंतु हैं जैसे कि आपने देखा चीता हो गया उसके बाबली हो गया ये हमारे मेकाउ हो गया इन सभी का घर है तो अब इनमें से चीता हमारे चिंपैंजी और हमारे अफ्रीकन जो शेर है वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इसकी और ज्यादा विविधता बढ़ जाएगी ये पार्क आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा 1960 में इसको ओपन किया गया था इसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम में शामिल हुआ और यह भारत का पहला जू बना था जिसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू और एक्वेरियम में शामिल किया गया था 2009 में यहां पे व्हाइट टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से यह ऑलरेडी बहुत फेमस है ठीक है चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट हमारे सामने आता है चाइना शुरू कर रहा है एक बहुत बड़ा मिशन जिसमें वो सी के अंदर ड्रिलिंग करेगा और पहुंचेगा अर्थ के मेंटल पे तो ये जो सिप है ड्रिलिंग सिप है जिसकी शुरुआत की है जिसको हम यहाँ पे मेनेंगजियांग के नाम से जान रहे हैं मेनेंग जियांग नाम का जो सिप है याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा मिनेंग जियांग ये सिप क्या करने के लिए चाइना ने इन्वेंट किया है तो ये हमारे अर्थ में ड्रिल करेगा इसके अंदर एक ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है जो अर्थ में क्रस्ट से होते हुए मेंटल तक जाएगा ठीक है तो ये हमारे चाइना के द्वारा ये पहली बार ये ड्रिलिंग पोर्ट की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा है मैंगजियांग मैंग नाम का ये सिप है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा काफी ज्यादा इक्विपमेंट से ये लैस्ड है दिख रहा है कि नहीं अब इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि ये हमारे क्रस्ट को पेनिट्रेट करते हुए कहां पर पहुंचेगा ये पहुंचेगा हमारे मेंटल पे याद रखिए इसमें हमारे कई सारे सर्वेक्षण हैं के साथ साथ डेढ़ सौ से भी ज्यादा जो अनुसंधान संस्थान है वो इसके साथ काम करेंगे मतलब डेढ़ सौ जोलॉजिकल चाइना को ज्योलॉजिकल सर्वे वो तो काम कर ही रहा है है साथ साथ ही रिसर्चर जो वो इसमें काम कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनका मिशन है जो ये मेनजियांग नाम के सिप से करने वाले हैं याद रखिएगा ये एक बार में सत्ताईस हजार आठ सौ किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और एक बार जब ये उतरेगा एक बार जब ये हमारा समुद्र में उतरेगा तो वहां पर यह तीन महीने तक लगातार रह सकता है इस जहाज में दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बनाई गई है बताइए किसी जहाज में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बनाई गई है डेढ़ सौ संस्थान काम कर रहे हैं यह समुद्री ऊर्जा संसाधन राष्ट्रीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा निर्माण का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इस पर काम करेगा मतलब समुद्र के अंदर छुपे हुए ऊर्जा के संस्था संसाधन को खोजना कौन कौन से हमारे समुद्र के अंदर मिनरल्स छुपे हुए उनको खोजना इन सब के लिए यह एक बहुत बड़ा मिशन है जो चाइना शुरू कर रहा है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो अर्थ है उसमें आप तीन लेयर देखते सबसे पहले ऊपर वाली आती भू पर पट्टी क्रस्ट फिर उससे जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आता है हमारे मेंटल फिर आता है लोअर मेंटल जो कि मेंटल का ही हिस्सा है फिर आता है कोर जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है उसको हम लोग कोर बोलते हैं तो क्रस्ट को पार पेनिट्रेट करना है और आप देखेंगे तो हमारे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो यहीं पे खत्म हो जाती है लेकिन ओसियानिक क्रस्ट होती है वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाती है है ना तो ओसियानिक क्रस्ट आपको यहां तक लगभग आप देखेंगे तो यहां तक आप ओसियानिक क्रस्ट देख रहे हैं फिर शुरू हो जाती है हमारे मेंटल सौ किलोमीटर तक जो है वो हमारे मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा मतलब 100 किलोमीटर से ही मेंटल स्टार्ट होती है मतलब ड्रिलिंग करनी पड़ेगी तो 100 किलोमीटर तक की ड्रिल करनी पड़ेगी समझो कितना ये कैपेसिटी वाला हमारा सिप होगा और उसके बाद से हमारा जो मेंटल है वो उन्तीस किलोमीटर तक है ये देखिए उन्तीस किलोमीटर तक हमारा मेंटल है और फिर कोर स्टार्ट हो जाता है तो ये पेनिट्रेट करना है मतलब यहां से पेनिट्रेट करके यहां तक पहुंचना लक्ष्य रखा है इस मैंगजन सिप के द्वारा तो काफी महत्वपूर्ण है याद रखिएगा चलिए अगला हमारे पे हमारे ए काफी ज्यादा चर्चा में है इसने यहाँ पे खालिस्तानी को बैन किया और साथ ही साथ तहरीक जो कि हमारे एंटी इंडिया प्रोपोगंडा फैला रही है जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने उसको भी बैन किया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लखबीर सिंह लांडा जो कि यूपीए के तहत कनाडा के कनाडा में स्थित है और ये एक खालिस्तानी आतंकवादी है ऐसा यहाँ पर बोल करके इनको यूपीए के तहत बैन कर दिया गया है साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के तहरीके हयत गुट को भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है दोस्तों याद रखिएगा हाँ जो लांडा है वो खालिस्तानी आपको जैसा मैंने बताया है ना और यहाँ पर ये बाबर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख है बीके आई कौन है बाबर खालसा हमारे खालिस्तानी ग्रुप उसके ये प्रमुख है तहरीके हुरियत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और यहाँ पे इस्लामी शासन लागू करने की कोशिशों में लगा था जिसकी वजह से इसको बैन किया जा रहा है अब यूएपीए के बारे में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं कि ये हमारे भारत में 1967 में शुरू किया गया था ये हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति भारत की संप्रभुता अखंडता को हमारे ब्रीच करने की कोशिश करता है उसके ऊपर ये लगाया जाता है देखिए हमारे यहाँ पे टेररिज्म को लेकर के कई सारे कानून बनाए गए जिसमें हमारा जो सबसे पहला था वो था यूएपीए नाइनटीन में आया फिर इसके से टाडा आता है टेररिस्ट एंड हमारे इंटरप्रेटिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन 1987 में ये टाडा आया। फिर उसके महाराष्ट्र ने मकोका लगाया जिसमें आप कई सारे लोगों के नाम देखते संजय दत्त जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मकोका के तहत गिरफ्तार हुए थे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट ये मकोका है जो 1999 में आया था है ना थाना महरा, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट फिर उसके आता है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टूरिज्म एक्ट 2002 में राजा भैया को इसके तहत गिरफ्तार किया गया था पोटा दर उसके से 2008 में आ जाती है एन 26 ए ग्यारह के हमलों के बाद बहुत जरूरी था कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी जांच एजेंसी होनी चाहिए जो हमारे इन, इन, इन जो टेररिस्ट है उनकी जांच कर सके उनके ऊपर काम कर सके तो एनआईए का गठन होता है सन 2008 में तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट और अभी हाल में 2022 में यूएपीए काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे लगाया जिसमें टी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से काम कर रही थी पीपल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट ये पी है जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स है देन उसके बाद से खालिस्तानी टाइगर है जिनको इस साल आप यू के तहत बैन होता हुआ देखेंगे तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है भाई इस साल कौन कौन से हुई है तो ये चार ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग डेली जो अपडेट हो रहा है वो भी हम करते जा रहे हैं दोस्तों तो ये करंट अफेयर्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए लेकिन हमने आपसे शुरू में बोला था कि हम आपको जो पढ़ाएंगे उस पर कुछ एमसीक्यूज भी करवाएंगे तो आप यहाँ पे इन एमसीक्यूज के जरिए अपना रिवीजन भी कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते सबसे पहला क्वेश्चन है उज्ज्वला स्कीम से आपको बताना है इस स्कीम की शुरुआत सन दो में हुई थी क्या इस स्कीम को हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा केवल एक सही है दोनों सही है दोनों में से कोई सही नहीं है क्या होना चाहिए या दो केवल दो सही है तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा आई होप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जो उज्ज्वला स्कीम है 10 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट दे चुका है 1600 सो के साथ साथ डिपॉजिट फ्री सिलेंडर मिलता है 1600 सो का असिस्टेंस सहायता मिल रही है और ये दोनों हमारे सही है 2016 तो में शुरू हुआ था सही है तो दोनों स्टेटमेंट सही है सोलवे वित्त आयोग की शुरुआत हो चुकी है ये जो हमारे आर्टिकल 280 के तहत इस हमारा जो वित्त आयोग है काम करता है इसके चेयरमैन कौन है अरविंद पनागड़िया है ऋत्विक रंजन पांडे है शशिकांत दास है या उर्जित पटेल है हु इज द चेयरमैन ऑफ सिक्सटीन फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया या कमिश्नर कौन बने तो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग पिक कर रहे हैं ये 2026 से लेकर के 2031 तक अपनी रिपोर्ट पे काम करने वाले पांच साल के लिए ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और काफी महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन और ये चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के सबसे पहले वाइस चेयरमैन याद रखिएगा नीति आयोग के सबसे पहले वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनागड़िया और काफी महत्वपूर्ण जाता है ए नंबर और ऋत्विक रंजन ये हमारे सेक्रेटरी के तौर पे चुने गए हैं तो अध्यक्ष पूछा गया है तो अरविंद पनागड़िया और सेक्रेटरी पहुंचेगा तो ऋत्विक रंजन पांडे जल्दी जल्दी में गलत नहीं कर देना है चलिए आगे देखते हैं किस देश के राष्ट्रपति ने यहां पर हमारे ब्रिक्स में सम्मिलित ना होने की घोषणा की कि भैया हम ब्रिक्स कंट्रीज में सम्मिलित नहीं होंगे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ब्रिक्स में सम्मिलित होने का तो ब्रिक्स कंट्रीज में जो सम्मिलित ना होने का डिसीजन लिए हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति उनका नाम है जेवियर मेले इस करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट है हमारे खबरों में रहा यहाँ पे यूएनएससी के बारे में आपको बताना है इसकी स्थापना नाइनटीन में हुई थी ये मूल रूप से सुरक्षा परिषद नौ सदस्य थे जिसमें उन्नीस में बढ़ा करके ये तेरह सदस्य कर दिए गए तो भाई क्या होना चाहिए तो भाई यहाँ पे सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी लेकिन अभी इसमें जो है पंद्रह सदस्य है ना कि तेरह है मुझे ऐसा लगता है तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या वो पंद्रह है पांच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट लेकिन इतने दृढ़ता के साथ क्वेश्चन लिखा रहता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई तो केवल हमारा एक नंबर वाला स्टेटमेंट सही है दो नंबर वाला गलत है ना हाल में हुडई मोटर्स की जो चेयरमैन है की जो ब्रांड है वो कौन बनी है दीपिका है आलिया है सोनाक्षी है या श्रद्धा कपूर है क्या होना चाहिए बिल्कुल तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है वो हमारे दीपिका पादुकोण ए नंबर ऑप्शन सही है समृद्धि सुकन्या योजना जिसमें अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट को पॉइंट टू परसेंट बढ़ाया गया है ये हमारे किस वर्ष में लॉन्च की गई थी तेरह चौदह पंद्रह या अठारह तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इस योजना की शुरुआत हुई थी और ये योजना हमारे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से याद रखिएगा 22 जनवरी सन 2015 को शुरू किया गया था नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है उड़ीसा में मध्य प्रदेश केरल या गुजरात कौन से राज्य में हमारे नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क स्थित है जहां पर दुबारी दुबई सफारी से हमारे चीता लॉयन और चिंपेजीज लाए जा रहे हैं तो ये उड़ीसा में है भारत का ये काफी इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क है नेक्स्ट है हमारा जो ड्रिलिंग पोत है चाइना हमारे जो डीप ड्रिलिंग कर रहा है मेनजियांग अरे यार तो मैंने बता ही दिया <laughs> तो चाइना का ये मेनजियांग सिप है जो डीप ड्राइविंग के लिए हमारे इस्तेमाल किया जाएगा तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज है दिन का साल का और अपने जीवन की नई शुरुआत करने का बहुत शुभ दिन ज्वाइन कर सकते स्टडी आईक्यू के इस बैच को सिर्फ बारह रुपए में दो तारीख मतलब आज और कल में अगर आप हमारे कूपन कोड मेरा नाम पंकज चौबे तो पीसी लाइफ का इस्तेमाल करते हुए जुड़ेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा डिस्काउंट सिर्फ निन्यानवे जनवरी तक के लिए हमारा कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है दो जनवरी तक के लिए कोड वैलिड है और पांच जनवरी से यह कोर्स शुरू हो रहा है तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए और आप अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अब देखिए जाते जाते आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दो आज से जो है वो आपका एक नया साल शुरू हो रहा है है ना हमारी अर्थ ने सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लिया ठीक है अब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस साल में क्या संकल्प लेके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आप सभी लोगों को कमेंट करना है ताकि ये क्लास एक साक्षी रहेगी कि हमने ये कमिटमेंट किया था तो इस क्लास में आप सभी लोगों के कमिटमेंट क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम आप सभी लोगों से इंटरेक्ट भी हो पाएंगे कि आप इसको लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो निर्भीक होकर के लिखिए कोई दिक्कत नहीं है और आपको हम कोशिश करेंगे उसको पाने के लिए आपकी पूरी मदद करने में तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में आज के लिए बस इतना ही और कोशिश करिए कि सात बजे का मतलब सात बजे एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी ईयर